अधूरे सी है। उठाओ अपना सामान लपेटो। अभी चार दिन तो हुए। ओह, मैं इस शक्ल से शरीफ लगता हूँ नहीं? किसी ने गलत इतला दे दी है, शक्ल से भी शरीफ नहीं लगते। रिश्ता लेकर आई हूँ मैं अपने बेटे फरहत का। तुम्हारे बेटे फरहत का रिश्ता सोनी के लिए? मैं तो पहले ही कहती थी वो औरत मुझे शक्ल से दगाबाज लगती है, वो किसी की सगी नहीं। देखो उस बेहया को, अपने शोर से जालसाजी कर गई। आए आए मुझे क्या खा रहे हो? सुधु भाई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरा और मेरे घर वालों का इस पूरे मोहल्ले के सामने तमाशा ना बनाए। ऐसे मनहूस कदम पड़े हैं पिछल पैरी के, ये बहू नहीं कजा आई है मेरी, कजा। बेटा वो कौन था? कौन? वही जो तुम्हें ले जाना चाहता था। तनी कौन सा आसेब और रोग लग गया है उसे, जिसे ना डॉक्टर उतार सकते हैं ना हकीम। मगर क्या करें, औलाद जब झुकाने पर आती है ना तो झुकना पड़ता है। अभी सिर्फ चार दिन हुए हैं तुम्हें नौकरी छोड़े हुए और हालात इतने बुरे हो गए कि तुम फिर उन्हीं घटिया हरकतों पे उतर आए हो। क्या 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 मतलब? क्या मतलब क्या मतलब? पहले तो तुमने शादी की खबर सारी दुनिया में फैला दी है और उसके बाद मेरी बदनामी करा रहे हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? लगड़ा लगड़ा के चल रहे हो, गाड़ियों से टकराते हो 200-200 रुपए के लिए, घटिया हरकत, घटिया आदमी। उमर जी, थैंक यू। व्हाट फॉर? फॉर व्हाट? जैद का ख्याल रखने के लिए, तुम्हें रखना भी चाहिए, आफ्टर ऑल अब वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई एम सॉरी। फॉर व्हाट? एयरपोर्ट पे शायद मैं थोड़ा सा हार्श हो गई थी तुम्हारे साथ। तब आप ये कह दीजिएगा कि क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आई रियली डोंट लाइक दिस, ये टॉन शॉट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई रियली डोंट लाइक दिस, मुझे ये टॉन्ट वॉन्ट पसंद नहीं है, तो मुझे आप पसंद नहीं है। कुछ बात अधूरी सी है। अब सुनो मेरी बात, रुक जाओ, अंदर जाके मुझे और शर्मिंदा एम्बेरस मत करना। जब मैं टेबल पे बैठे हूँ, जाए टेबल पे बैठे लगे तो चेयर पुल करना, ताकि पता चले कि तुम्हें थोड़ी सी तमीज और एटिकेट्स हैं। ये जूते ये टाई, ये ड्रेसिंग सेंस नहीं है कम से कम। मेरे पास यही थे तो बताना तो था। किसको? मुझे और किसे, तुम्हारे खर्चे कौन उठाता है? और ये मत समझना कि मैं तुम्हारे नखरे उठाऊंगी। एक तो तुमने पहले ही मुझे एम्बेरस किया हुआ है कि सारी न्यूज फैला के शादी की, अब अंदर जाके मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूंगी इस चीज की? क्या एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं? न्यूली वेड कपल, आओ कपल्स। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतने इल मैनर्ड हो। आफ्टर ऑल तुमने थोड़ी देर से ही 5-star होटल में काम किया है, इतने टेबल मैनर्स तो होने चाहिए। कभी इतनी बैरस नहीं हुई जितनी अब। अगर कल सुबह
तूने मेरे हाथ पे तनख्वाह लाके ना रखी तो देखना, अगर मेरा हार्ट फेल ना भी हुआ तो मैं खुदकुशी जरूर कर लूंगी। सॉरी, अल्लाह पाक की कसम, मैं नर्वस हो गया था, बाकी और कोई बात नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम अपने इन कॉम्प्लेक्स से कैसे निकलोगे और कब निकलोगे और कैसे सीखोगे तुम ये सब। आपकी मोहब्बत और आपका साथ रहा तो बहुत जल्द। ना मेरे पास इतना टाइम है और ना इतना पेशेंस। अच्छा माँ, लास्ट टाइम प्रॉमिस, आइंदा नहीं करूंगा कभी। आइंदा ऐसा होगा ही नहीं, मैं ये रिस्क ले ही नहीं सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने फैसला कर लिया कि आइंदा मैंने तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाना ही नहीं है। ओह थैंक्स गॉड, मैं तो डर गया था। नहीं, मैं समझा कि आप मुझे छोड़ के जा रही हैं। डरते हो उस बात से? मोहब्बत करता हूँ ना आपसे, मोहब्बत में आदमी बुस्तिल हो जाता है। और मजबूर भी, जैसे मैं मोहब्बत में मजबूर हूं, इसीलिए किसी न किसी तरह ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूं, वरना बड़ा तमीज से नाश्ता होने वाला है भाई, और वो भी सवेरे सवेरे, वरना यहाँ तो 12 बजे रहते तेरी शक्ल की तरह 12 बजते। चल चल पहले हट। ये नहीं ले जाने दूंगी तुझे। अरे छोड़ छोड़ छोड़, जैद नहीं खाता इसके बगैर पराठा। जैद नहीं खाता इसके बगैर पराठा, नहीं ले जाने दूंगी। बढ़िया है जैद की सगी। चल तो होगी खुदी। अल्लाह की शान, ये मतलब खटमल चढ़ गया मेरे। वालेकुम सलाम, जीती रहो। मैं तो पहले कह रही थी किसी अच्छे खानदान की तौर तरीके वाली लड़की है। आई देखो तो सही, कैसे झुक के दुआएं दे रही है उससे। हाँ?